मुरैना की विधानसभा क्षेत्र सोमावली की ग्राम पंचायत मालिकपुर में शासकीय प्राथमिकता स्कूल के ऊपर से गुजरती हाई टेंशन बिजली लाइन से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। इस विद्यालय में पढ़ रहे 88 छात्र पर केवल 2 शिक्षक ही अध्यापन कार्य करा रहे हैं, जिसमें से एक शिक्षक अधिकांश समय शासन की जानकारी को अपडेट कराने में ही चला जाता है। इस प्रकार पढ़ाई कराना एक तरह से खानापूर्ति ही माना जाएगा, कोई क्योंकि छात्र संख्या 88 को एक शिक्षक कैसे ठीक से अध्यापन कार्य करा सकता है, जबकि इस स्कूल की शिक्षा विभाग के संबंधित वरिष्ठ कार्यालय चाहे BRC हो या संकुल केंद्र सभी अवगत हैं, फिर भी न जाने क्यों आज तक एक शिक्षक की यहां पर पढ़ाई है तो नहीं की गई है। व्यवस्था स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर ऑन रिकॉर्ड 3 शिक्षक की पोस्टिंग है, किंतु एक शिक्षक से अन्य स्कूल पर शिक्षा कार्य कराया जा रहा है, या यूं कहें कि उसे दूसरे स्कूल में कर दिया गया है, जबकि कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां छात्र महज संख्या आधा दर्जन भी नहीं है, फिर भी 2-2 शिक्षक पढ़ाई के कार्य करा रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालय की ये कैसी व्यवस्था है, इसके बाद भी एक बड़ी समस्या और इस विद्यालय से जुड़ी हुई है। इसके परिसर के ठीक सामने से ऊपर से गुजरती हुई हाईटेंशन लाइन इस परिसर में खड़े पेड़ों से सीधे संपर्क में होने के कारण बिजली का करंट आने पर अक्सर खतरा बना रहता है और बरसात जैसे सीजन में करंट आने का डर रहता है, जबकि स्कूल के द्वारा बिजली विभाग व अपने कार्यालय को लगभग 2 माह पूर्व सब कुछ लिखित आवेदन देकर अवगत करा दिया गया है, लेकिन न स्कूल शिक्षा विभाग और न ही बिजली विभाग बच्चों के भविष्य और परिसर से गुजरती हाईटेंशन लाइन के प्रति गंभीर है। यदि कोई हादसा होता है तो ऐसे में क्या स्कूल जिम्मेदार है या कार्यालय या फिर बिजली विभाग, और ना ही इस विद्यालय में बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। बच्चे बेचारे घर से ही बोतलों में भरकर पानी लाते हैं। स्कूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हैंडपंप है उसमें भी पानी नहीं आता है और ना ही किसी प्रकार की अन्य कोई पानी की व्यवस्था की गई है। बेचारे बच्चे अपनी ही बोतलों से पानी भरकर लाते हैं और बचा हुआ पानी अगर देखा जाए तो बच्चे कितनी समझदार हैं। परिसर में खड़े पौधों को भी उसी पानी से संचित करते हैं और पेड़ों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए किंतु शासन ने वायु ऐप के द्वारा स्कूल परिसर में वृक्ष लगाए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे, ना ही सींचने की कोई व्यवस्था नहीं। देश को निनिहाल बच्चे समझदार हैं जो अपने पीने के पानी को वृक्षों को भी देते हैं और अपनी भी प्यास बुझाते हैं, किंतु प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। कैसा मुंह बागीर हो गया है ये शासन। क्या नाम है सर आपने? मेरा नाम श्री राम साहू। श्री राम साहू सर, स्कूल में कितने छात्र रजिस्टर्ड हैं सर? इस समय 88 छात्र हैं सर। और शिक्षकों की संख्या कितनी है? 3 है, तो एक दूसरी जगह अटैचमेंट है, वो 4 साल से अटैचमेंट है उसका, जो बिरुआ में अटैचमेंट है। यानी आपके विद्यालय के 3 शिक्षक हैं, उनमें से एक शिक्षक किसी अन्य विद्यालय पर अटैच कर रहा है पिछले 4 साल में। और छात्र संख्या 89 है? 88। इसको लेकर आपने कहीं कोई आवेदन दिया प्राचार्य को? प्राचार्य को भी बताया था मैंने, 2-3 बार गया था, तो वो जो कहते मैं निरीक्षण करूंगा, तो निरीक्षण करके आपको भेज दो कम से कम उसको। निरीक्षण भी हो गया लेकिन आज तक 2 बार हो गया, 2 बार निरीक्षण हो गया लेकिन टीचर की व्यवस्था नहीं नहीं हो पाई। यानी 2 टीचरों को 89 छात्रों 88 छात्रों को पढ़ाना, 88 छात्रों को 2 टीचर। ठीक है सर। और सर एक पानी की व्यवस्था नहीं है यार। पानी की नहीं है? पानी की क्या समस्या? पानी की समस्या है, यहाँ से करीबन समझ लो कि 1 किलोमीटर दूरी से पानी बोतलों में बच्चे भर के लाते हैं और बोतलों से पानी। शासन ने भी जो नल जल के तहत अब कोई कार्य नहीं हुआ, नल लगाए, हेडपंप में ही पानी नहीं है, जब हेडपंप में नहीं है तो वो अब कार्य अधूरा डला है, कार्य अधूरा पड़ा है, वो कार्य पूरा नहीं। थैंक यू सर। आपका नाम? संजय कुमार दीक्षित। सर ये जो ऊपर से जो हाई टेंशन के तार को जब, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हाई टेंशन लाइन ये स्कूल के ऊपर से कोरोना समय में निकाली गई, इसकी सूचना विद्युत मंडल को भी हमारे पत्र के द्वारा दी जा चुकी है, संकुल प्राचार्य को भी दी जा चुकी है, और साथ ही हमारे वरिष्ठ अधिकारी BRC, जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना, जिला दंडाधिकारी कलेक्टर महोदय मुरैना, और हमारे लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के भोपाल को भी हमने पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया, उसकी प्रति हमारे पास उपलब्ध है। ये प्रक्रिया आपने कितने समय की? लगभग लगभग आज इस प्रक्रिया को किए हुए 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं।
दूसरे टाइम में, लेकिन अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ संबंधित बिजली अधिकारी के लिए? उनका एक आश्वासन था कि हम मौका ऑन द स्पॉट आके इस चीज को देख लेंगे और समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन समस्या जस की तस है। क्या स्थानीय जेई महोदय ने निरीक्षण किया है? नहीं नहीं, कोई यहाँ कोई निरीक्षण करने नहीं आया। कितना समय हो गया आपको टाइम भी? ये वही जिस समय मैंने पत्र दिया था दूसरे लगभग दो महीने के, लेकिन आज तक आकर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। क्या समस्या है? धन्यवाद।